और अब बात मौसम की। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में बारिश का तांडव जारी है। यहां मंदाकिनी नदी का बहाव लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण नदी किनारे के इलाकों में कटाव तेज होने लग गया है। बंगापानी में बारिश के कारण सबसे अधिक खतरा देवी बगड़ और भौरा बगड़ क्षेत्र में मंडरा रहा है और इस इलाके में प्रशासन ने 13 परिवारों को शिफ्ट किया है। साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। मंदाकिनी नदी का स्तर भी चेतावनी के लेवल को पार कर चुका है। जिस तेजी से इलाके में कटाव जारी है, उससे कई मकानों के नदी में गिरने की, नदी में समाने की आशंका है। उसमें काफी कटान हो रहा है। पिछले कुछ 2-3 दिन पहले वहां पे हमने 13 फैमिलियों को रिहैबिलिटेट किया था, दोनों विस्थापित करके एक स्कूल में उनको वहाँ पे उनको शरण दी है। इसके अलावा अभी फिर मॉर्निंग में फिर से टीम, राजस्व की टीम और आपदा प्रबंधन की टीम और अन्य विभागों की टीम मौके पर मौजूद है। देहरादून में आज हुई तेज बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। शहर की कई सड़कों में पानी भर गया है। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट नहीं था, लेकिन तेज बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और आम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। शहर के पॉश इलाके डालनवाला में भी सड़कें पानी से लबालब नजर आए और फिर एक बार नगर निगम और प्रशासन की पोल खुलती नजर आई है। दो तस्वीर डालनवाला और दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर सैलाब बह रहा है। तो देहरादून में कई इलाकों में बारिश के बाद हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए हैं और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के बाद देहरादून के कारगी ग्रांड क्षेत्र में कई घरों में पानी घुस गया है बारिश का, और कई घरों में पानी के साथ साथ मलबा भी घुस गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बारिश के बाद किस तरह से सड़कों पर नदियां बह रही हैं। कई घरों में ये पानी और मलबा घुस गया है। लोग सिर्फ बारिश के पानी का कम होने का इंतजार करते रहे और प्रशासन की तैयारियां पूरी तरीके से नाकाफी नजर आई है। हालात बेहद डरावने नजर आए। और रुड़की में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के बाद यहां सड़कों पर पानी जमा हो गया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होती रहीं। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से जल जमाव ही हो रहा है और हर बारिश में यहाँ की सड़कों का यही हाल रहता है। मैं खड़ा हूँ देहरादून दिल्ली हाईवे पर। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक बरसात में पूरा जलमग्न ये सड़क आप दिखाई दे रही है और जिस तरीके से यहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ है, सड़क पूरी तालाब में तब्दील हो चुकी है। पूरी आप देख सकते हैं कि भोले भी इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दिया है, पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या, जो बड़े वाहन भी हैं कहाँ तक डूब रहे हैं और लोग अपनी गाड़ियों को किस तरीके से यहाँ पे खींच रहे हैं, क्योंकि जो जल भराव की स्थिति है, ये सड़क है, ये देहरादून और दिल्ली हाईवे है और यहाँ से रोडवेज की बसें भी जाती हैं। बारिश के बाद हरिद्वार में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के बाद यहाँ सड़कों पर जल जमाव हो गया। भगत सिंह चौक पर कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद वाहन रेंग रेंग कर चलने लग गए और धाम की स्थिति जाम जैसी स्थिति बन गई। हरिद्वार में हर साल बारिश में इस क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। विकास नगर में शिमला बाईपास रोड पर कई जगह रपटे में पानी आने से आवाजाही बाधित हो रही है। यहां पर रामगढ़ और सिहनीवाला के बीच एक रपटे में आए पानी के तेज बहाव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक महिला भी अपनी स्कूटी से पार करने की कोशिश में गिर गई। गनीमत ये रही वहां मौजूद लोगों ने महिला और उसकी स्कूटी को बाहर निकाला है। कहाँ जाना है आप? उत्तराखंड में कई जगह बारिश मुसीबत बन गई है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बारिश से नुकसान की रिपोर्ट अधिकारियों से ली है।
इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए और आपदा में फंसे लोगों की फौरन मदद के आदेश भी सीएम धामी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों से हालात की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देहरादून और आसपास लगातार हो रही बारिश के बाद नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस टीम जगह जगह जा रही है, नदी किनारे रहने वालों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है और सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। एसएसपी ने सभी थाना और चौकियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए ताकि इमरजेंसी की कंडीशन में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पाताल गंगा के पास बार बार बंद हो रहा है और पहाड़ी में मलबा और पत्थर आने से यहां सुरंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरंग के आगे लगातार मलबा गिर रहा है जिससे आवाजाही भी खतरनाक तरीके से हो रही है। सुरंग के अंदर कीचड़ भर गया है, लिहाजा एक एक करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है ताकि कोई हादसा ना हो। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हम पाताल गंगा के पास मौजूद है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो ये सुरंग के पास का जो हिस्सा है ये बार बार बाधित हो रहा है और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो पहाड़ी टूट कर आई थी उसकी वजह से जो हाईवे है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये जो सुरंग बनाई जा रही है ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है यहाँ पे और गाड़ियों की लाइन देखिए आप, यहाँ पर ट्रैफिक को जाम किया जा रहा है, एक एक करके यहाँ से वाहनों को भेजा जा रहा है क्योंकि सुरंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा दलदल है और उस दलदल में गाड़ियां फंस रही है। इसलिए यहाँ पे अब पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया। ये देखिए आप ऊपर से पहाड़ी से जो पत्थर हैं वो लगातार गिर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे मार्ग बाधित हो रहा है और अभी भी यहाँ पे देखिए गाड़ियां रुक रुक कर जा रही है, छोटे वाहनों को एक एक करके भेजा जा रहा है। पहाड़ों में जो बारिश है कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर रही है जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है, हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी है। नितिन सेमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा। उत्तरकाशी में बिशनपुर के पास गंगोत्री हाईवे बीते 12 घंटे से बंद है, इसके बावजूद यात्री जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं जिसने शिव भक्तों की मुसीबत बढ़ा दी है। बिशनपुर के पास गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन जोन बना हुआ है जिसके कारण हाईवे बीते 12 घंटे के बाद भी नहीं खुल सका। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र का भूस्खलन जोन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे आने वाले समय में और मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, जिसका ड्रोन से लिया गया ये एक वीडियो सामने आया है। बीआरओ के अधिकारी मौके पर डटकर मार्ग को खुलवाने में जुटे हैं। प्रशासन पूरी तरह गंगोत्री हाईवे पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिशनपुर के पास अवरुद्ध हुआ है उसमें बीआरओ द्वारा उसमें खोलने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें 4 मशीनें लगाई गई हैं। मौके पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और एसओ तथा बीआरओ के अधिकारी मौजूद है और वहां पर लोगों को ट्रैफिक को नियमित करने हेतु पुलिस की तैनाती भी की गई है और जो कावड़ है उनको पैदल निकाला गया है। पौड़ी नेशनल हाईवे पर दुगड्डा दुर्गा देवी मंदिर के पास बोल्डर आने से हाईवे फिर से बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार छोटे बड़े पत्थर गिरते नजर आ रहे हैं जिससे जानमाल का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की ओर से गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया है और कोई हादसा ना हो सके इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। हाईवे बंद होने से कोटद्वार का लैंड्स डाउन और पौड़ी से संपर्क कट गया है। इलाके में बारिश के चलते रोड खोलने का कार्य भी जारी है। ये जो हमारा नेशनल हाईवे है जो कोटद्वार से पौड़ी जाता है, जो दुर्गा माता मंदिर है उनसे जस्ट आगे थोड़ा सा दुगड्डा की तरफ रोड क्षतिग्रस्त हुआ है और भारी मात्रा में मलबा आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग से चयनित 67 असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी पद पर चयनित 63 युवाओं और टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयनित 22 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे। सीएम ने सभी कैंडिडेट को शुभकामना देते हुए कहा कि वो अपना काम ईमानदारी से करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने कार्य में मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों से हमें अपने प्रदेश के जो विकास के लक्ष्य हैं
उनको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो। आप सभी जानते हैं हम सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड की जो हमारी संकल्पना है उसको साकार करने का एक संकल्प लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है।